कहाँ रखेगा वो लोग, इसके लिए मुझे चिंता थी। और हमने कहा प्रिंसिपल साहब से एक बार मुझे आने दिया जाए आपके कॉलेज में, हम देखना चाहते हैं कि नेक के लिए आपने क्या क्या तैयारी की। और आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रिंसिपल, ही कॉल्ड मी, हम आए और जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत कमियाँ थी वहाँ पर उस चीज़ों के ऊपर हमने प्रकाश डाला और हमने कहा कि कुछ अनुभवी लोग हैं, कुछ अनुभवी लोग हैं, उन्हें बुलाकर या तो लाइब्रेरी और नेट में कैसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए उन लोगों को आप बुलाएं और वह जो है फिर आपका भी मार्गदर्शन करेगा। और मैं समझता हूँ उन चीज़ों को अगर ध्यान में रखा जाएगा तो छोटे छोटे पॉइंट से भी बड़े पॉइंट्स जुड़ते जुड़ते बन जाते हैं। क्योंकि आप देखें 2.04 हो, 2.05 हो, और 2 से अगर 1 पॉइंट नीचे आ गया 1.999 तो मिल गया हमें सी, और 2 से ऊपर हो गए तो हमें मिल गया बी। इसलिए एक एक पॉइंट पर मेरी निगाहें बनी हुई थी कि कहां पर कमी है और कहां से मुझे पॉइंट मिल सकता है जिससे हम बी के नीचे नहीं जाए, और सफलता मिली। और इसमें सभी आप लोग धन्यवाद के बातें बहुत होती हैं। और जब से हम लोग आए हुए हैं, हम और हमारे प्रतिकुलपति महोदय संजोग है एक ही जगह से आए हैं और एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे भी हैं, एक ही इलाके के रहने वाले भी हैं और हम लोगों के विचार आपस में मिलते हैं। और इसीलिए एक ही प्रण है कि बी एंड मंडल यूनिवर्सिटी को भी हम वह यूनिवर्सिटी की तरफ बनाकर ले चले जो दूसरा कहे कि नहीं, हम बी एन जनरल मंडल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और लड़के हमारे गौरवान्वित हों और लड़के जो है विजय। लेकिन क्या यह संभव है? हमारे बीच श्याम बाबू भी बैठे हुए हैं जिनका काफी योगदान रहता है और शिक्षक बैठे हुए हैं, क्या शिक्षकों के बिना, क्या विद्यार्थियों के बिना, क्या गार्जियन की शुभकामनाओं के बिना, क्या राजनेता के सहयोग के बिना कोई भी शिक्षा की अगर हम तुलना करते हैं और कल्पना करते हैं कि यह अच्छी शिक्षा नीति हो, वह संभव नहीं। सबके सहयोग की जरूरत है। मैं हमेशा अपने भाषण में जहां भी मुझे मौका मिलता है मैं कहता हूं कि जब तक आप लोग सभी हाथ नहीं मिलाएंगे तो कभी भी कारवां बनेगा नहीं, और जब तक कारवां बनेगा नहीं शिक्षक का, शिक्षण का धार, शिक्षण का बहाव उस इलाके में कभी भी नहीं हो सकता है। हम इतना बड़ा आपदा को झेलते हैं, फ्लड आता है, कॉलेज की बिल्डिंग की दीवारें उड़ जाती हैं, टूट जाती हैं, जैसा कि अभी फारबिसगंज में हुआ, जैसा कि अभी किशनगंज में हुआ, जैसा कि आपने 2008 में देखा। इतनी बड़ी विपदाओं को आप झेलते हैं, मजबूती से झेलते हैं और झेलते आ रहे हैं यहाँ के सारे लोग, सारे विद्यार्थी, शिक्षक और नागरिक सीमांचल और कोसियांचल के। लेकिन हम शिक्षा के बारे में कम सोचते हैं। मैं अभी माननीय विधायक महोदय से कह रहा था कि बच्चे जब कॉलेज आते हैं तो उम्मीद की जाती है कि अगर 10 बजे आते हैं तो 3-4 बजे तक कॉलेज में रहेंगे, चाहे वह लाइब्रेरी में है, चाहे क्लास में है, चाहे वह किसी खेल के मैदान में है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है बच्चों से कि वह कॉलेज में रहेंगे। ऐसा क्या है? ये 2 घंटे का प्रोग्राम है और आप लोगों को 2 घंटे कम लग रहे, छटपट लग रही है और लोग अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपनी भावनाओं को बदलना पड़ेगा और शिक्षक की बातों को आपको सुनना पड़ेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा छात्रों के, छात्रों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाए, लड़के एक बेंच पर 2 की जगह बैठने की है उस पर 5 बैठ रहे हैं, आगे बैठ रहे हैं, पीछे बैठ रहे हैं, लेकिन वहां जाते हैं क्योंकि वहां पैसा देते हैं। और यहां हमारे कॉलेज में नहीं आते हैं, शिक्षक रहते हैं, बेंच डेस्क उनको बना हुआ है, उनको बैठने की सुविधा दी गई है, बिजली और पंखा सारी चीजें दी गई है, लेकिन फिर भी हमारे कॉलेज में वो नहीं आए। क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात है, कौन सी खामियां हैं, राज्य सरकार ने कौन सी गलती की है
विश्वविद्यालय ने कौन सी गलती की है कि आप हमारे कॉलेज में नहीं आते हैं, हमारे वर्ग में नहीं आते हैं? ऐसी कौन सी मंशा है आपकी बच्चों? आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, मैंने तो कहा था, मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा टेलीफोन 24 आवर्स ओपन रहता है, और मैंने ये भी कहा था लड़के क्लास में जाए, 5 लड़के भी, अगर टीचर नहीं आते हैं तो आप टेलीफोन से मुझे सूचित करो कि सर मैं क्लास में बैठा हुआ और शिक्षक क्लास नहीं ले रहे हैं। और मैं बताते हुए बड़ा दुख होता है, लड़के क्लास आते नहीं हैं, आज तक मुझे कोई टेलीफोन प्राप्त नहीं हुआ है कि सर मैं क्लास में बैठा हुआ हूं और शिक्षक क्लास नहीं आ रहे हैं। उंगलियां हमेशा उठाई जाती है ऐसे करके कि विश्वविद्यालय प्रशासन ये नहीं करती है, वो नहीं करती है, कभी वह लड़के यह नहीं देखते हैं कि 3 उंगली उनके तरफ उठी हुई है, क्या आप 3ों में से कोई काम करते हैं? क्या आप क्लास आते हैं? क्या आप घर में पढ़ते हैं? क्या लाइब्रेरी में बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। और विश्वविद्यालय को कहेंगे कि मैं रोड पर खड़ा हूँ, मेरा एग्जामिनेशन आप लीजिए, मैं क्लास नहीं करूँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं, मेरा एग्जामिनेशन आप लीजिए। क्यों भाई, क्या यही शिक्षा का यही पहलू है? शिक्षा ऐसे प्राप्त होता है? किसी विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास ऐसे होता है? उसके लिए मानसिक स्तर से, शारीरिक स्तर से और नैतिक स्तर से, सब स्तर से आपको मजबूत होना होगा, तभी आपका सर्वांगीण विकास होगा। और सिर्फ अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने विश्वविद्यालय के लिए, अपने राज्य के लिए, अगर एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं, अगर जैसे विधायक महोदय ने कहा कि आप दिल के धड़कन हैं, आप जुआ हैं, और अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो वर्ग में आप आइए, वर्ग में आइए और पढ़िए। और अगर ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, तो आप मुझे बताएं, हम हैं या प्रतिकुलपति महोदय हैं, आखिर हम लोग आए हैं क्यों कि सही ढंग से बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो? आखिर इसका नेक्स्ट एक्रेडिटेशन क्यों कराया गया? शिक्षा की गुणवत्ता की जांच हो, लेकिन यह सब डिपेंड करता है आप पर। जैसा कि प्रतिकुलपति महोदय ने कहा कि उनके उसमें चेयरमैन थे, तो उन्होंने कहा कि हम देखना चाहते हैं रनिंग क्लास। रनिंग क्लास मतलब होता है लड़के बच्चे क्लास में बैठे हुए हैं और शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको रुचि नहीं है कि आप कॉलेज आए, आप में यह रुचि नहीं है कि आप अपने शिक्षकों का सम्मान करें, आप में रुचि नहीं है कि आप राज्य में एक अच्छे नागरिक के रूप में पनपें, आपको रुचि नहीं है कि इस कॉलेज का नाम हम उजागर करें, आप में रुचि है कि रोड को जाम करो, परीक्षा नहीं होने दो। 16-17 को परीक्षाएं थी, रोड को जाम कर दिया गया। 30-31 को परीक्षाएं थी, रोड को जाम कर दिया गया, और पूरे विश्वविद्यालय की बदनामी हुई, पूरे देश में बदनामी हुई, और NDTV ने इसको भली भांति से प्रचार और प्रसार किया, ETV ने प्रचार और प्रसार किया। आखिर क्यों, क्या गलती है विश्वविद्यालय की? गलती है कहाँ, विद्यार्थियों। आप जब एडमिशन लेते हो, आप पैसा जब गार्जियन से ले जाकर आप प्रिंसिपल को देते हो, तो आपके पास कोई रिसिप्ट है कि आपने एडमिशन लिया है? आपको रिसिप्ट मिलता नहीं है, आप फॉर्म भरते हो, आपके पास कोई रिसिप्ट है? जब हमारा बच्चे, जब मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी यह नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी को पैसा दे रहे हैं, तो उसे हम मनी रिसिप्ट लें अपने गार्जियन को दिखाने के लिए, अपने पास रखने के लिए, जब आपके पास रिसिप्ट नहीं है तो कैसे आप कह सकते हो हम इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं? आखिर विश्वविद्यालय कैसे बायफर्केट करेगा एक ऐसे लड़के से जो एडमिटेड है और ऐसा लड़का जो एडमिटेड नहीं है? आपने फॉर्म भरा, जिन लोगों ने फॉर्म भरा सबको मैंने एडमिट कार्ड बैठकर यहाँ एक कमेटी भेजवाया, कमेटी के माध्यम से एक एक लड़के को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक 508 लड़के आए, सारे लड़कों का एग्जामिनेशन एग्जामिन किया गया, उसमें से 22 ऐसे लड़के निकले जिन्होंने प्रॉपर ढंग से एडमिशन लिया था और एडमिट कार्ड उसका बना था। लेकिन 408 लड़के ऐसे थे जिनका ना कोई एडमिशन का कोई प्रूफ था, ना कोई कागज था, और जब हमने फिर डेट अभी दिया है 20 तारीख को हमने डेट दिया है परीक्षा के, DM साहब हम लोगों के विरोध में चले गए, SDO साहब ने कहा कि साहब परीक्षाएं आपने जो है कॉलेज को सही ढंग से नहीं चलाया। हम लोग जब आए 4 महीने मात्र हुए हैं, आप सुनिए और समझिए चीज़ों को, और अपने आप को सोचिए कि आपकी स्थिति वही होती जो मेरी स्थिति है। इतना करने के बावजूद भी किसी कॉलेज को अगर एफिलिएशन मिला तो किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले एफिलिएशन दिया, अगर कोई गड़बड़ियां वहां हो रही हैं तो क्या यह संभव है? 7 जिले में फैला हुआ यह यूनिवर्सिटी का एक
जो दायरा है, इस दायरे में हर एक कॉलेज में एफिलेटेड कॉलेज, हर एक जिले में एफिलेटेड कॉलेज हैं, और हर एक कॉलेज को 4 महीने के अंदर में उसकी पूरी जांच और पड़ताल हम कर लें और उसको ठीक कर दें, क्या यह संभव है? लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग कटिबद्ध हैं। आप बच्चों सुनो और समझो, और मैं कह रहा हूं कि आपका भविष्य, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए और उस पर आपका भविष्य बन सकता है। वैसे यहाँ टैलेंट है, चाहे कोसी अंचल की बात करें, सीमांचल की बात करें, यहाँ टैलेंट है और यहाँ के लड़के बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लड़के जो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं वो लड़के बहुत अच्छा करें, तभी हमें खुशी मिलेगी, तभी हमें खुशी मिलेगी इस नेक एक्रेडिटेड कॉलेज में जो आज समारोह हो रहा है, उस समारोह में जो हम लोग शिरकत कर रहे हैं। और सभी को हम लोगों को खुशी तभी होगी जब आप आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, हमेशा हम बोलते हैं कि लोग हमेशा समस्याओं को ही कोसता है कि हमारे यहाँ ये समस्या है, हमारे यहाँ वो समस्या है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आगे बढ़कर उस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार नहीं होता है। समस्याएं हैं, मैंने तो कहा कि यहाँ 2008 से लेकर पिछले इस साल तक जो है आपदा आई, प्राकृतिक आपदा आई, कॉलेज जुड़ गया, महीनों भर जो है पानी पड़ा रहा कॉलेज में, उसके लिए हम एडमिशन का डेट बढ़ाया। हमने कहा उस विपदा को आप झेल लेते हैं, लेकिन अपने आप को क्लास में रेगुलर नहीं करते। जब यहाँ हम लोग आए अभी उद्घाटन करने के लिए उस बिल्डिंग का, कुछ लड़के मिले, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि सर सत्र को नियमित किया जाए, सत्र को नियमित किया जाए। बार बार सरकार भी बोलती है, हमारे बीच सरकार के नुमाइंदा भी यहाँ पर हैं, सरकार भी ये बोलती है सत्र को नियमित करिए। सरकार को मैंने क्या कहा और NDTV में हमने क्या कहा जो सारे देश में गया होगा, कि हमारे पास प्राकृतिक आपदा, एक फैकल्टी की कमी, दो और संसाधन की कमी, ये तीन हमारे इस BN मंडल यूनिवर्सिटी में है, और इस तीनों को हम सरकार की तरफ उनका भी ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय की तरफ सरकार का ध्यान, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये समस्याएं धीरे धीरे दूर होगी। अभी हमने माननीय प्रचार महोदय से कहा कि आपने बहुत बड़ा काम किया, नेट एक्रेडिटेशन कराया, बी ग्रेड मिल गया, ठीक है, बी ग्रेड पूर्णिया को भी मिला, ठीक है, पूर्णिया था पुराना कॉलेज, 49 का आपका 71 का कॉलेज है, थोड़ा सा पॉइंट में अंतर आपको आया, लेकिन अभी भी आप बी पैदान पर हैं, जहाँ पर पूर्णिया कॉलेज भी है, उसको और बेहतर होना चाहिए, लेकिन क्या होगा, हम सभी भी एक ही जैसे हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहते हैं। अगर हम नेक्स्ट एक्रेडिटेशन कराना चाहते हैं तो हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं यह कहने के लिए कि यह गलत हो रहा है, वह गलत हो रहा है, वह गलत हो रहा है। पूर्णिया कॉलेज में भी वैसा ही हुआ, कुछ लोग पीछे पड़े, लिखित में कंप्लेंट दे दिया कि साहब यहाँ कुछ नहीं है, बेकार है, क्यों आए हैं आप। तो समस्याएं अनेक है हमारे घर में, उन समस्याओं से हमें लड़ना है, उस समस्याओं से हमें जूझना है और उस समस्याओं का हमें समाधान करना है, लेकिन वह तभी संभव है जब विद्यार्थी मेरे साथ रहेगा। जब तक विद्यार्थी मेरे साथ नहीं रहेगा, यही आज का ताकत है, किसी भी विश्वविद्यालय का यही हमारा अंग होता है, और किसी भी शिक्षा जगत का अगर हम बात करते हैं तो इन बच्चों के लिए ही बात करते हैं। शिक्षा जगत में बच्चों के लिए, अब देखिए वो बच्चे बैठे हुए हैं, 2 घंटे हो गए, पूरे शरीर में अंगीठी आ रही है, क्योंकि बैठने की आदत नहीं है। बैठने की आदत होगी और जब तक बैठेगा नहीं कोई भी, चाहे आप भगवान के सामने पूजा ही क्यों नहीं करते हैं, जब तक आप बैठेंगे नहीं तो पूजा नहीं होगी। आप जो करते हैं बैठेंगे नहीं तो नहीं होगा। स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं आप, दौड़ेंगे नहीं तो नहीं आप जीत पाइएगा किसी में। अगर आप संगीत में हैं तो उसमें भी साधना करनी पड़ती है, इसलिए शिक्षा भी एक साधना है, उसके लिए आप में धैर्य होना चाहिए और बैठने और सुनने और समझने की ताकत होनी चाहिए। हम तो हमेशा कहते हैं जब प्रॉब्लम आया तो हमने सारे विश्वविद्यालय के छात्र संगठन को बुलाया और हमने कहा कि बताइए कैसे हम समस्या का समाधान करेंगे, आप लोग बताइए। कि किसी कॉलेज में लड़के अगर रोड पर खड़े कह रहे हैं कि हम इस कॉलेज के विद्यार्थी हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं है कि वह एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, तो क्या ऐसे विद्यार्थियों का हम परीक्षा ले लें, क्या यह उचित होगा? बिल्कुल अनुचित होगा। और अगर इस तरह का आप लोग सहयोग देते हैं तो विश्वविद्यालय को आप पीछे की ओर ले जा रहे हैं, आगे नहीं ले जा रहे हैं। इसीलिए आप मुझे सहयोग करें,
सही का सही, गलत का गलत। अगर कॉलेज गलत कर रहा है उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी हमारे माननीय माँ MLA साहब से भी बात हो रही थी, कॉलेज गड़बड़ी कर रही है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। 25 साल पुराना है, एफिलेटेड कॉलेजेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं इमीडिएट कोई भी एक्शन तुरंत नहीं ले सकता हूँ, वह भी विधि संगत ही एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि हाईकोर्ट भी खुले हुए हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया शुरू है। कॉलेज ने अगर गड़बड़ी की है, अगर वह समझता है कि यह व्यावसायिक संस्थान है तो मैं इसे काटता हूँ, मैं उन्हें ऐसा नहीं सोचने दूंगा, मैं उसे एक शिक्षण संस्थान में भी परिवर्तन करूँगा। लेकिन आप सहयोग दीजिए, समय दीजिए और हम समझते हैं कि हम लोग सफल होंगे, विश्वविद्यालय सफल होगी। इच्छाएं तो बहुत रहती हैं, लेकिन बोलने के लिए अंत में मुझे मौका मिलता है, समय का अभाव होता है, बच्चों में जो है भागने की जो है तत्परता रहती है कि जल्दी छोड़ो रूम, निकल चलो। लेकिन मेरी आदत है, पिछले 50 साल से आदत बनी हुई है कि क्लास में जाते हैं तो 40 मिनट के पहले क्या एक घंटा के बाद ही लगता है कि समय अपूरा हुआ। लेकिन मैं आप लोगों का समय आज अधिक नहीं लूँगा, लेकिन मैं पुनः सभी विद्यार्थियों का, छात्र छात्राओं का, खास करके शिक्षकर कर्मणियों का एवं यहाँ के शिक्षक उनका, प्रिंसिपल साहब का और कोऑर्डिनेटर साहब को और सबको मैं पूरी पूरी प्रशंसा करते हुए उनकी धन्यवाद भी देता हूँ, बधाइयाँ भी देता हूँ, शुभकामनाएँ भी देता हूँ। और जिसमें रिजल्ट आया था, मैं बाहर था, मैंने वहाँ से भी बधाई दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। और हम ये जानते हैं कि जब तक सब लोगों का सहयोग एक साथ नहीं होगा तो किसी भी कॉलेज का विकास संभव नहीं है। इसलिए साथ आप दें, विकास होगा, आप देखते चले। आज ये कस्बा कॉलेज, एक कस्बा मतलब होता है रूरल एरिया, यानी गांव, गांव में एक कॉलेज जिसको बी ग्रेड मिले, यह सचमुच में बहुत खुशी की बात है। सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि यहाँ के जन समुदाय के लिए भी, जनपद के लिए भी और विश्वविद्यालय के लिए तो है ही। इसीलिए पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप हमारे माननीय कुलपति महोदय को सुन रहे थे। माननीय कुलपति